केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का कथित वीडियो जारी होने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि उनकी सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की जांच करने के लिए इनकम टैक्स और ईडी कब मध्य प्रदेश आ रही है। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बेटे का वीडियो कॉलिंग का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए के लेनदेन की बात हो रही है। वही इस वीडियो को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि काले धन को सफेद बनाने और इसके एवज में कमीशन रखने को लेकर सारी बातचीत हो रही है। इसी वीडियो को आधार बनाकर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कई जिलों में खुले मंच से यह ऐलान कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजनीति बन चुका है। यहाँ पर 50% कमीशन वाली सरकार चल रही है। सांसद राहुल गांधी ने यह भी सवाल खड़ा किया कि मध्य प्रदेश में 18 साल से भाजपा की सरकार है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार होने के बावजूद ईडी और आईटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने व्यापक घोटाला मामला महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश के नीमच, हरदा, भोपाल में रोड शो और आम सभा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनने का भी दावा किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल हुए वीडियो को लेकर भाजपा ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया के मुताबिक चुनाव के वक्त पर यह सोची समझी साजिश के तहत एडिट वीडियो को डर्टी पॉलिटिक्स के जरिए वायरल किया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के हिसाब से कार्रवाई नहीं होगी। मध्य प्रदेश में कानून का राज है।